यार गाइस ये बात तो लोगों को अभी समझ में आ रही है धीरे धीरे कि भाई रियल क्रिकेट 23 हम लोगों को इस साल देखने को नहीं मिलने वाला बिकॉज 2023 जो ईयर है इसके 7 मंथ्स ऑलरेडी खत्म हो चुके भाई, अभी अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है आज, यानी 1 अगस्त है आज। तो गाइस अभी रियल क्रिकेट 23 के बारे में कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट ट्रेलर टीजर वगैरह कंपनी वालों की तरफ से सामने नहीं आया, मतलब 0.1% भी ये कन्फर्म नहीं है कि हम लोगों को रियल क्रिकेट 23 हमें देखने को मिलेगा इस साल। लेकिन गाइस लोग अभी बात समझ रहे हैं कि भाई हम लोगों को डायरेक्ट जो है रियल क्रिकेट 24 ही देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि भाई रियल क्रिकेट 24 जो गेम रहने वाला है क्या ये न्यू गेम रहने वाला है या फिर हम लोगों को रियल क्रिकेट 22 से रियल क्रिकेट 24 में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा प्ले स्टोर पर रियल क्रिकेट 24 गेम। सो गाइज इस वीडियो की कंप्लीट जानकारी मिलेगी आप लोगों को और साथ ही साथ ये भी सुनने को मिलेगा कि भाई रियल क्रिकेट 24 के अंदर क्या कुछ न्यू फीचर्स आने वाले, क्या कुछ चेंजिंग्स होने वाली हैं। तो गाइज लोग ये कह रहे हैं कि भाई रियल क्रिकेट 22 जो है इसके अंदर हमें ऑलरेडी सारे के सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तमाम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाते हैं रियल क्रिकेट 22 के अंदर और सारे फीचर्स हम लोगों को रियल क्रिकेट 22 के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता चलो कि भाई ये बात सच्ची नहीं है कि रियल क्रिकेट 22 के अंदर हम लोगों को सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले, बिकॉज अभी बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि हाईलाइट्स का फीचर्स हो गया, उसके बाद करियर मोड का फीचर हो गया, तो भाई काफ़ी सारे फीचर्स अभी मिसिंग हैं। तो एशिया कप के अपडेट के रिकॉर्डिंग में वीडियो बना चुका हूं रियल क्रिकेट 22 के अंदर जो एशिया कप का अपडेट होने वाला है वो तो हम लोगों को डेफिनेटली से देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर ये भी बताया कि भाई न्यू स्टेडियम्स का कंफर्म नहीं है, पाकिस्तान ने श्रीलंका में जो एशिया कप होने वाला है तो भाई उसके अंदर ना स्टेडियम का कंफर्म नहीं है कि कंपनी हम लोगों को स्टेडियम देगी या फिर नहीं। लेकिन हाँ ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि रियल क्रिकेट 24 जो होगा उसके अंदर हम लोगों को न्यू स्टेडियम्स तो डेफिनेटली से देखने को मिलेंगे, करियर मोड का फीचर देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट ऑलरेडी डिमांडेड फीचर है, मतलब हम लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाने वाला, लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाने वाला फीचर है ये। साथ ही साथ लोग एक और फीचर का बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वो है हाइलाइट्स का फीचर। भाई इसके अंदर हाइलाइट्स जो है ना मतलब डिफरेंट तरीके की होनी चाहिए, कंपनी उसी के ऊपर वर्क कर रही है, मतलब हाइलाइट्स का फीचर्स हम लोगों को जो रियल क्रिकेट 24 के अंदर देखने को मिलेगा वो भाई डिफरेंट रहने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर ये भी मैं बताऊंगा कि रियल क्रिकेट 22 को रियल क्रिकेट 24 में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर रियल क्रिकेट 24 एक न्यू गेम होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि भाई रियल क्रिकेट 24 न्यू गेम नहीं होगा बल्कि रियल क्रिकेट 22 को रीनेम करके रियल क्रिकेट 24 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो ये तो आपको कन्फर्म हो गया। लेकिन गाइज अभी इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो अभी रिलीज डेट जो है ना इसका जो ना हो सकता है जो ना दूसरे या तीसरे महीने में, यानी कि फरवरी या मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाए ये वाला गेम प्ले स्टोर के ऊपर, बिकॉज अभी जो ना मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी के महीने हम लोगों को इसका ऑफिशियल ट्रेलर या बल्कि टीजर वगैरह देखने को मिल सकता है, पोस्टर वगैरह देखने को मिल सकता है, फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है। अगर इन्हीं महीनों में यानी दिसंबर या जनवरी के महीने में हम लोगों को मतलब जो ना कि इसका फर्स्ट पोस्टर देखने को मिलता है तो भाई हम लोग को डेफिनेटली से रियल क्रिकेट 24 2 से 3 महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा डिले होता है तो हम लोग को भाई चौथे महीने में यानी कि अप्रैल के महीने में गेम देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। आई होप कि आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और आज मेरी तबीयत भी खराब है इसलिए थोड़ा अटक के बोल रहा हूँ, भाई ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मेरे पास और भी गेम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने चैनल का ख्याल रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब जब कर लो तो यार ऑल नोटिफिकेशन भाई सिलेक्ट कर लिया करो क्योंकि बहुत सारे लोग ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट नहीं करते जिसका ये होता है नुकसान कि भाई बहुत ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके रखा करो, ठीक है, एंड ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपना वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट कराओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर गाइस।